विरवा बहुत खूब। अब कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बम्बाल। मैं भूल कर रहा हूं, ठीक है तो एक और गलती भी कर देता हूं। मैं ही बता देता हूं बालवीर को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। पूछो शौर्य से कि क्यों नहीं बताया तुम्हें कि महान रसायन शास्त्री जयकाश जी तुम्हारे पिता थे। क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की धोखे से हत्या की गई थी। क्यों नहीं बताया तुम्हें कि तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई और नहीं शौर्य था। शौर्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वीरलोक की गद्दी चाहता था। इसी गद्दी और इन्हीं शक्तियों को पाने के लिए वीरलोक के नियमों को तोड़कर बन गया तुम्हारे सामने अच्छाई और सच्चाई का महान प्रतीक ये धोखेबाज और हत्यारा शौर्य। चुप हो जाओ बाबा, चुप हो जाओ बाबा। शौर्य के लिए अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन झूठी बातों पर तुम सच्चाई और अच्छाई का चोला पहना दोगे तो मैं विश्वास कर लूंगा। यस भैया, बुराई का तो काम ही होता है झूठ बोलना और चाले चलना। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे तो पछताओगे बालवीर। जिस तरह इन्होंने तुम्हारे पिता के साथ धोखा किया वैसा ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। रुकावट के लिए खेद है पर अब पछताना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि डूबा डूबा बिल्कुल सेफ है लेकिन तुम नहीं। मिस्टर बी, मिस्टर बी, शौर्य का अपमान करके तुमने सही नहीं किया बाबाल। इस तोप को भी साथ लेकर चलते हैं। नहीं करनी चाहिए थी बालवीर। अब तुम्हारा दी एंड, तुम्हारा दी एंड। मिस्टर बी,
मुझे लगता है हमें मम्बाल जी को शिंकाई लेके जाना चाहिए, हम शायद वहां उन्हें बचा पाए। शौर्य बालवीर के पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ कीजिए, उसे भी लोग ले चलते। मिस्टर बी का हर सपना पूरा करूंगा, इस दुनिया से बालवीर और अच्छाई के नामो निशान को मिटा दूंगा। कर दूंगा हर उस चीज का जो अच्छाई की याद दिलाएगी, पूरी दुनिया के लिए बालवीर शब्द का मतलब बदल दूंगा मैं। इतनी नफरत फैलाऊंगा उस बालवीर के नाम पर, लोग उसके नाम से प्यार नहीं बल्कि नफरत करेंगे, नफरत। देखा, मैं वापस आ गया हूँ, सब लोग मुस्कुराओ। सोचा नहीं होगा ना कि मैं ऐसे वापस आ जाऊंगा। अरे मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है, चिट्ठी काट के देख लो। आउच, हाँ? अरे माँ, माँ कहाँ जा रहे हो? माँ क्या हुआ? माँ अरे मुझसे बात तो करो, देखो तो सही। माँ विवान, तुमने माँ पे जादू किया है क्या? मतलब एक दिन में इंतजार नहीं किया, माँ की सारी याददाश्त मिटा दी। अब मुझे माँ को कितना समझाना पड़ेगा। तुम भी ना विवान, और अनन्या तुम समझा नहीं सकती विवान को, इतना स्मार्ट बनी घूमती फिरती हो।
क्या विवान, तू मजाक कर रहा है? अब तो मुझ पे जादू करेगा। देखा अनन्या, अब विवान मुझ पे जादू कर रहा है। कितने बार बोला है मैंने इसे कि ये छोटा और मैं बड़ा, फिर भी मानता ही नहीं है। विवान, अब बहुत हुआ तुम्हारा मजाक। हा अनन्या, ये मुझे देख नहीं पा रहा है क्या? और ना ही मेरी आवाज सुन पा रहा है, ये क्या हो रहा है? माँ और शौर्य के पास असीम शक्तियां है, ये दोनों तो मुझे देख लेंगे। शौर्य, माँ शौर्य, शौर्य कुछ तो कहिए। ये कैसे हो सकता है? ये पवित्र भूमि तो वैसे की वैसी है। मैं तो यहीं से बाहर आया था, फिर पहले विवान मुझे नहीं देख पाया और अब माँ और शौर्य भी मुझे नहीं देख पा रहे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वापस आया हूं और मेरा शरीर नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ एक दिव्य रोशनी बनकर लौटा हूं जिसे कोई महसूस नहीं कर सकता? ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे कारण हुआ है। इस सब का गुनहगार मैं हूं बालपरी। मुझे और ज्यादा सोच समझ कर निर्णय लेने चाहिए थे। इस बार वीरलोक मार्गदर्शन में चूक हुई है मुझसे, इसलिए मैंने अखंड समाधि लेने का निर्णय लिया है। अखंड समाधि? नहीं शौर्य, आप अखंड समाधि नहीं ले सकते। हाँ? पहले ही अच्छाई बालवीर को खो बैठी है। अब अगर आप भी चले जाएंगे तो फिर बुराई को पूरा मौका मिल जाएगा पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाने का। हाँ शौर्य। शौर्य, आप सिर्फ वीर लोग के ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। अगर आप ही चले जाएंगे तो वीर लोग को कौन संभालेगा? आप संभालेंगे बालपरी। इस समय विश्व को संभालने के लिए प्रेम और करुणा की आवश्यकता है, मेरी तरह सख्ती से नियम पालन करने वाले की नहीं। जैसे आपने बालवीर का हाथ थामा था वैसे ही आप विवान की मार्गदर्शक बनिए और उसका साथ देने के लिए अच्छाई का एक और रक्षक ढूंढिए और एक और बालवीर बनाइए। विवान को झूठी सभ्यता दे रहा है, उसके साथ छल कर रहा है और शौर्य ने भी अखंड समाधि ले ली है। मुझे विवान को सावधान करना ही होगा, उसे रे का सच बताना ही होगा। Excuse me, थोड़ा सा सही। तो ये है मेरा असली टॉय। पड़ाकु रिंकू को लगता है जिसका ब्रीफकेस कोई टॉय है, बट ये तो पहले राउंड में हार जाएगा। ये सिर्फ ब्रीफकेस नहीं है, ये वो पकड़ता है जो ना तो तुम लोग देख सकते हो और ना ही तुम लोग सुन सकते हो। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। ये अगर इसके आसपास कोई भी सोल होगी तो
तो ये मशीन उससे संपर्क करेगी और ये रेड लाइट बीप करने लग जाएगी। सब बच्चे भूत भूत क्यों चिल्ला रहे हैं? काम डाउन, हेलो, काम डाउन, काम डाउन। भूत भूत कुछ भी नहीं था, ओके? तो चिल। रिंकू, शायद से तेरी मशीन में कोई खराबी है, ऐसी बीप बीप कर रही है। वही तो, जो मुझ जैसा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो ये टिंकू रिंकू थोड़ी कर सकता है ना? हाँ गाइस, आई थिंक मशीन में ही कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे अपने पास क्यों बुला लिया भगवान? अभी धरती लोक पर कई सारे काम बाकी है। माँ को, परियों को, विवान को, सबको सच बताना है, रे को सजा देनी है, अभी तो धरती लोक से बुराई का नाश करना है। तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया? ये विधि का विधान है, यही लिखा है तुम्हारे भाग्य में। अगर यही विधि का विधान है तो बदल दीजिए इसे। मैं इस विधि के विधान को नहीं मानता। अच्छाई बुराई से हार जाए, यही है विधि का विधान। शौर्य ने अखंड समाधि लेने का फैसला कर दिया है। वीर-लोक कमजोर पड़ रहा है, विवान अकेला है, उस पर बुराई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ऐसे में आपने मुझे अपने पास बुला लिया, क्या यही विधि का विधान है? मुझे स्वीकार्य नहीं, आपको विधि का विधान बदलना ही होगा। आपसे हाथ जोड़ता, प्रार्थना करता, दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। मुझे एक और मौका आपको देना ही होगा। सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं, लेकिन तुमने इतने अच्छे काम किए हैं जीवन भर कि तुम्हें एक और अवसर देने का विधान किया गया है, इसलिए तुम धरती पर और 10 दिन रह सकते हो, पर सिर्फ 10 दिन। धन्यवाद भगवान। लेकिन अगर मैं ऐसे धरती लोक पर रहूंगा तो फायदा क्या? ना ही मैं किसी को छू पाऊंगा, ना ही किसी से अपनी बात कह पाऊंगा, और ना ही किसी की मदद कर पाऊंगा। ऐसे में बुराई का विनाश कैसे कर पाऊंगा? जब भी तुम अच्छे लोगों की मदद करना चाहोगे तुम कर पाओगे, लेकिन ये याद रहे 11वें दिन तुम्हें हमेशा के लिए यहां वापस आना होगा। तो गाइस, अब हम शुरू करेंगे हमारा फाइनल टॉय कॉम्पिटिशन। सो आर यू गाइस रेडी? यस। सब टॉयज कहाँ गायब हो गए?
तो भले ही हमसे कितना भी दूर हो जाती हो, पर हम तुझे कभी नहीं भुला पाएंगे। स्नोफॉल हुई है जो पानी बर्फ की तरह जम गया। ये खुशी का टॉय इतना खुश क्यों हो रहा है? झूला भी झूल रहे। टॉयज को चुरा लिया है, लेकिन टॉयज को क्यों चुराएगा? जिस किसी ने भी टॉयज चुराए, वो शायद भारत नगर में होगा अभी। कम ऑन गाइस, ढूंढते हैं चोर को। हाँ। ये रॉयल के साथ कोई नई स्टोरी तो नहीं बना रहे हैं एविल पावर्स? थोड़ी देर में टॉयज बच्चों को हैप्पीनेस नहीं, सैडनेस देने लगेंगे। उनके क्यूट लिटिल फेसेस पे स्माइल नहीं, पेन होगा। ये कार अपने आप कैसे रुक गई? कहीं इसके अंदर भी तो कोई टॉय नहीं है। हाँ तो एक काम करो, उसके साथ पिक्चर क्लिक करो और उसे अपलोड कर दो। क्या क्या बोल रही हो? वो बोले थे। अरे विवान, जाओ ना उसकी बैटरी निकालो। हाँ दीदी, मैं जा रहा हूँ। विवान विवान बेटा संभल के। हाश जा माता जी, बच ही गया। दीदी इज राइट, इस टॉय की बैटरी निकलने से पहले ही ये गाड़ी अपने बीच में कैसे रुक गई? जरूर कोई तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हमारी मदद कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ विवान, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा है रे, जिसके अंदर इतनी बुराई भरी है लेकिन तुम देख नहीं पा रहे। पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं वापस आ गया। अब हम एक और एक दो नहीं, फिर से 11 बनेंगे और 12 बजाएंगे रे के प्लान का। वो तो सब ठीक है, लेकिन कोई ये तो बताए कि अचानक से ये खिलौने इतने बदमाश कैसे हो गए? इस सब के पीछे इस रे का हाथ है, इसी ने बनाया इन खिलौनों को खतरनाक। यही है बुराई का असली साथी, इसे तो मैं। क्या रे, इस बार काम? मैं इसे छू क्यों नहीं पा रहा? अभी तो मैं इस गाड़ी को छुपा रहा था, फिर अब ये क्या नई मुसीबत है? फॉर मोर अपडेट्स
subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.